इट्स मी सबक तुर्क और जी आज हम जा रहे हैं विंटरलैंड। क्या कर रही हो? तो आज हम जा रहे हैं विंटरलैंड क्योंकि जवेरिया आई हुई थी। खैर जवेरिया ने हर जगह घूमी हुई है, बट पता है ना जब सिस्टर घर आती है तो बहुत ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट भी होती है और हम चाहते हैं कि हम जाएँ कहीं घूमें, पहले घूमी हुई जगह जाएँ। और खैर आज हम जा रहे हैं विंटरलैंड और आज लास्ट डे था, आई थिंक 31st है। तो वैसा मूड बिल्कुल ही नहीं था, कैसे भी करके जाना पड़ा। छोड़ो सौगात, डोंट डू दिस। और आगे जो है मीरव और मुईज़ बैठे हुए हैं और मेरे साथ है उधर मुकरमना, इधर मेरे साथ है जवेरिया एंड सौगात, जवेरिया एंड सौगात। और बस और ये है मीरव। मीरव इधर तो देखो उस साइड कुछ जमाने का हमारे मुईस। तो बस अब हम जाएंगे और वहाँ पे वन आवर होंगे और उसके बाद हम कुछ खाएंगे पिएंगे एंड देन फिर हम घर आ जाएंगे। और कल मैं थी शूट पे, तो शूट वाले जितने भी मेरी क्लिप्स वगैरह हैं वो भी मैंने व्लॉग बनाया था, वो भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, तो मेरा व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। खैर मैं यहाँ अभी ना कुछ बहुत ही अलग सोच रही हूँ, उस पर मैं काम कर रही हूँ, तो वो मैं इस व्लॉग के एंड में आपको बताऊँगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और मुईज़ बाकी हम सब
बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ओके जी, तो अब हमारा विंटर लैंड को जितना भी हमें मस्ती करनी थी हमने कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू PF म्यूजियम, पर उससे पहले इनको यहाँ पे पिक्चर्स कैप्चर करनी है, तो हम इनकी पिक्चर कैप्चर करेंगे। चलो जी इनकी हम पिक्चर कैप्चर करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। माफी। तो अब हमारा सब कुछ हो गया था, लाइक हमने घूम फिर लिया, देन हमें खाना था, खाना वगैरह। तो अब हम आए हैं अनवर ब्लॉग्स पे, अनवर ब्लॉग्स पे हम खाना वाना खाएंगे एंड देन सीधा घर जाएंगे। ऊपर चलें या नीचे? ऊपर चलें, ऊपर चले जाए। चलें जी, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, खाना खा के देन फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अरे लोगों को पता है कि मैं कितना खाती हूँ बाहर अकेले, बट आज मैं फिर बच्चों को भी साथ लेकर आ गई कि ना मैं बच्चों को भी मस्ती करवाऊँ। ओके हाँ वैसे ही बैठो, अपने ग्लासेस उठा, चलो बैठो। तो ये हमारा मेन्यू आ चुका है, क्या करोगे ऑर्डर? चाउमीन वगैरह कर लेते हैं। अच्छा मेरी सिस्टर हो, और हम व्लॉग में सिंधी ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब सिस्टर नथो सी सके, बिल्कुल नथो सी सके। डाडो मजो आयो विंटरलैंड में, डाडो मजो आयो। बहुत ज़्यादा हम थक गए, बहुत ज़्यादा, मतलब एक घंटा चलता ना विंटरलैंड, फिर से जाने ही नहीं देते। बस यही था कि मज़ा बहुत ज़्यादा आया एक घंटा, मतलब देखते हैं ना कि मज़ा नहीं, डाडो मजो आयो, मतलब डाडो मजो आयो। और मैं तो दो बार स्लाइड में गिरा, मेरे सर पे लग गया। ओके, तो ये हमारा आ गया है खाना, और मैंने कढ़ाई भी मंगवाई है, तो कढ़ाई में कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, तो जल्दी जल्दी से हम इसको फिनिश करते हैं एंड उसके बाद जो है फिर हम घर जाते हैं। मैंने अपना चॉकलेट शेक मंगवाया था, और बच्चों ने जो है अपनी क्या मंगवाई है, इन्होंने स्टिंग्स वगैरह मंगवाई हैं। तो चलो जी, तो अब हमने अपना डिनर ख़त्म कर दिया है और अब हम जाएंगे घर। अच्छा मुझे आदत है मैं अकेली जाती हूँ, अकेली आती हूँ, आप लोगों को पता है मेरे शूज़ वगैरह होते हैं, तो मैं खुद ही अकेले रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ, अपना ऑर्डर लेकर खा के घर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं घर के लिए भी पैकिंग करवाती हूँ। अब जब मेरी यहाँ पे अपने सिबलिंग्स को लेकर आ गई हूँ, तो वो कहते हैं कि यार तुम इतना कैसे मतलब कर देती हो, मतलब इतना टाइम कैसे बैठ जाती हो अकेले। तो मैं कहती हूँ भाई मुझे तो हो गया, मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो गया, और मुझे अकेले में ही मज़ा आता है। मैं कभी भी अपनी फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी किया है मैंने खुद से किया है एंड बस। तो बस वीलॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।